अस्सलामु अलैकुम कौसर का जहां में खुश आमदीद और वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। आज हम क्या कहते हैं पार्ट टू लेकर आए हैं स्नैक्स का, जो कि क्या कहते हैं आप बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और अपने हस्बैंड वगैरह को, कोई भी भाई है क्या कहते हैं जाने वाला ऑफिस, उसको भी लंच में दे सकते हैं। विदाउट ऑयल हम क्या कहते हैं फ्राइज़ बनाएंगे, कहते हैं इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, बेक करेंगे हम इसको और विदाउट ओवन बेक करेंगे। इसको हमने पानी में अच्छी तरह से धो लिया है, इसको आप बारीक काटेंगे, पतले पतले काटेंगे और इसको थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए इसको बॉईल देंगे पानी में और उसके बाद इसको छान कर निकाल लेंगे। बहुत ही लजीज नमक डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर और क्या कहते हैं इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद जो है उसको छान के क्या कहते हैं रखेंगे। इस पर नमक जो है वह हमने पतीले में रख डाला है, इसको गर्म करेंगे हम क्या कहते हैं प्री हीट करेंगे और ये छान लिया है हमने पानी इसका और इसके ऊपर क्या कहते हैं अब हम छलनी से ही छान कर जो है वह आप इस पर क्या कहते हैं मैदा डालेंगे, डस्ट क्या कहते हैं या आप क्या कहते हैं कॉर्नफ्लोर डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल लें और इस तरह से आप इसको क्या कहते हैं किसी भी प्लेट में या किसी भी क्या कहते हैं पिज़्ज़ा प्लेट में जो है वो इस तरह से लगा दीजिए और फिर इसको जो है वो थोड़ा सा इसमें हम कलर भी डालेंगे ताकि हमारे फ्राइज़ जो हैं वो अच्छे से क्या कहते हैं बेक हो जाएं, वो खूबसूरत लगें। उसको क्या कहते हैं हम रख देंगे पकने के लिए। ये देखिए हमारे फ्राइज़ जो हैं वो बेक हो गए हैं, तकरीबन 15-20 मिनट में ये बेक हो जाते हैं। देखिए कलर इन कितने अच्छे से क्या कहते हैं ये देखिए बन गए हैं और ज़रा भी क्या कहते हैं कोई इसमें ऑयल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। इसमें आप सीजनिंग डाल लें, मैंने जो है वो चीज़ सीजनिंग डाली है जो मैंने बनाई थी, और टमाटो की सीजनिंग डाली है। आप काली मिर्च नमक भी डाल सकते हैं इसके अंदर और ये इसको हम निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लें आप और ये आप क्या कहते हैं लंच बॉक्स में दे सकते हैं या आप वैसे भी खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, ऑयल का कोई मसला नहीं है इसके अंदर। देखिए बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार है, ये कोई ये नहीं कह सकता कि क्या कहते हैं कि आपने। अब इस तरह से इसके बाद दूसरा क्या कहते हैं हम बनाएंगे, ये हैश ब्राउन क्या कहते हैं टाइप के क्या कहते हैं हम बनाएंगे। इसके अंदर जो है वो हमने ऑयल डाला है और इसके बाद जो है हमने पोटैटो को क्या कहते हैं ग्रेट करके रखे थे और उसके बाद उसको हमने अच्छी तरह से पानी में 2-3 पानी से धो लिया था और इसके बाद जो है वो थोड़ा सा ऑयल या मक्खन जो भी कहते हैं मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप कोई भी डालकर ऑयल जो है इसके अंदर बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो थोड़ी सी हम काली मिर्च का पाउडर नमक डालेंगे इसके अंदर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बस इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, ये थोड़ा गर्म है। उसके बाद जो है वो हम अपने क्या कहते हैं हैश ब्राउन बनाएंगे और इस तरह से आप ये पतले पतले ही बनाने हैं, आपने ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं। गोल बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए, जैसे आपका दिल चाहे वैसे बना लीजिए और इस तरह से बनाकर जो है हम क्या कहते हैं इसको फ्राई करेंगे और बहुत थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे क्योंकि हमें जो है वो अगर ऑयल का इश्यू है तो क्या कहते हैं बहुत थोड़े से ऑयल में करेंगे, अगर ऑयल का कोई इश्यू नहीं है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े से ऑयल में ही क्या कहते हैं इसको फ्राई किया है। ये भी बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार बनकर, अगर आप कहते हैं चाहते हैं तो इसके अंदर आप चीज़ भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, पसंद है किसी को तो चीज़ डाल दीजिए, चटनी रख दीजिए, केचप डाल दीजिए, मैंने तो केचप और मायोनीज डाला है इसके ऊपर, आप कुछ भी डाल दीजिए। इसके बाद सैंडविच बना क्या कहते हैं दे दीजिए बच्चों को, बड़ों को अगर पसंद हो तो। ये कहते हैं मैंने कहते हैं इसमें जैम लगाया है, पाइनएप्पल जैम है और उसके बाद जो है ये मेरे पास में है इंजीर का जैम है, दोनों जैम मैंने लगाए थे। अब कहते हैं इसको सैंडविच मेकर में जो है वो मैंने 5 मिनट के लिए बना लिया था, आप क्या कहते हैं पैन में भी बना सकते हैं। इस तरह से बना कर पैन में रख दीजिए और फिर कटिंग कर लीजिए। पूरा इस तरह भी दे सकते हैं आप और क्या कहते हैं कटिंग करके भी दे सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये,
ये देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, डो तैयार करेंगे। नमक डाला है हमने, 1.5 कप मैदा लिया है, नमक डाला है इसके अंदर, और इसमें ऑयल डालेंगे और न्यू स्टाइल का पोटैटो रोल बनाएंगे। तकरीबन इसमें 3 चम्मच जो है क्या कहते हैं हमने टेबल स्पून जो है वो हमने घी डाला है। ऑयल ना डालिएगा, ऑयल से नहीं बनते सही, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ऑयल से सही नहीं बनती हैं। आप जो है वो आप इसके अंदर जो है वो घी ही डालिएगा, और इस तरह से हम रख देंगे इसको ऑयल लगा कर थोड़ा सा, और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद हमने क्या कहते हैं आलू हमने बॉईल किए थे, उसके बाद जो इसके अंदर हमने ग्रेट कर लिए थे आलू, उसमें एक अंडा भी हमने हार्ड बॉईल जो है वो इसके अंदर क्या कहते हैं ग्रेट कर लिया है। और इसके बाद मसाले डाले हैं हमने इसके अंदर, चिली फ्लेक्स हैं और क्या कहते हैं धनिया ज़ीरा है, और ये सब डालकर जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो नमक डाला है हमने, काली मिर्च का पाउडर डाला है, और इस तरह से आप इसके क्या कहते हैं पीसेस कर लीजिए। पीसेस करने के बाद में जो है वो इसको फ्राई कर लीजिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, लेकिन कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि कोई चीज़ अगर आपको पसंद आई है या ना पसंद आई है तो क्यों नहीं पसंद आई है, तो ये जो है वो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कोई मशवरा दिया कीजिए, अगर कोई मेरी गलती है तो मुझे बताया कीजिए। इस तरह से फ्राई कर लेंगे हम, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा कौसर को, कौसर के जहाँ से ये देखिए अंदर खोलकर भी देखिए कितने लजीज मज़ेदार से लग रहे हैं हमारे पोटैटो रोल्स। इजाज़त दीजिए फिर कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।